स्क्रीन हेलो, गुड इवनिंग. एनी क्वेश्चन टू एनीवन? बफर सॉल्यूशन से कोई प्रॉब्लम है किसी को? एमटीजी क्वेश्चन नंबर 18-19. ओके, किसी से नहीं बना है? किसी से बना है कि नहीं? 18-19 बताइए. एटीन तो पहला ही सवाल है, इसी में लग सक गए. या कैसे होगा रे बचवा? 22 भी. मनीषा कुमारी 19, गौरव 18-19, शिवम 22. 18 तो फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसमें कैसे लग सक गए आप लोग? 18 प्रॉब्लम है, ये बफर सॉल्यूशन का पीएच 9 दिया हुआ है, बनाना है NH4Cl और NH4OHC. NH4Cl का मोल निकालना है जो 1 एम NH4OH में ऐड करना है. ये तो आसान सवाल था भाई, क्यों नहीं बना पाए आप लोग? चलिए कोई बात नहीं. एमटीजी न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री का प्रॉब्लम नंबर 18 में दिया हुआ है एक बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच है 9. ये प्रिपेयर करना है. NH4Cl और NH4OH मिलाना है, मतलब क्या हो गया? बेसिक बफर हो गया. 1 MnaOH है, 1 MnH4OH है. इसमें NH4Cl कितना मिलाना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? और Kb दिया हुआ है, Kb इक्वल टू 1.8 × 10⁻¹. ठीक है, चलिए. तो पहला पॉइंट ये है कि ये बेसिक बफर है, देखते हैं, वीक बेस और उसका साल्ट है, इसलिए हम इसका पहले पीओएच निकालते हैं. पीओएच कितना होगा? 14 - pH, 14 - 9 = 5. ठीक है, तो पीओएच 5 का बफर हमको प्रिपेयर करना है. फॉर्मूला क्या है पीओएच का? पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय बेस कंसंट्रेशन. ठीक है, पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय बेस कंसंट्रेशन. पीकेबी कितना होगा? माइनस लॉग केबी. आप चाहे तो यहां भी मान दे सकते हैं या अलग से भी निकाल सकते हैं, है ना? पीकेबी हो गया, पीकेबी इक्वल टू माइनस लॉग केबी. ठीक है, इक्वल टू
minus log 1.8 into 10 power minus 5. ये क्या हो गया, log m into n, ये होता log m plus log n, तो ये हो गया minus log 1.8 plus minus minus log 10 power minus 5. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, minus log 1.8 minus minus plus 5. 1.8 का log देखो, जीरो में, 1.8 का जीरो में देखो, टेबल निकालो, 1.8 का जीरो में है 2553, कितना हो गया ये, 5 माइनस 0.2553, लगभग होगा ये 4.74 के लगभग, 4.74, ये पीके भी हो गया, ठीक है, पीके भी का मान हो गया। अब आप लिखिए पीओएच कितना है, 5, पीके भी कितना हुआ, 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन बाय बेस कंसंट्रेशन, इसको ले आइए बाएं, 5 माइनस 4.74 इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय बेस होगा, कितना हो गया ये 0.26 या 0.2553 इक्वल टू log salt by base, यहां तक समझे या कोई डाउट है किसी को बताओ, यहां तक में किसी को डाउट है, अब क्या करेंगे, अब एंटी लॉग ले लीजिए, 0.25 का देखिए, 0.25 का 5 में, आगे देखिए 3 में, एंटी लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में 0.25 का 5 में, 0.25 का 5 में 1799, ठीक है, और आगे है 3 में है 2, 1799 हो गया 1801, ठीक है, तो 1.801 ये हो गया, इसको मिटाता हूं, रुकिए, मिटा दें सबको, मिटा देना, आपका है 0.2553 बराबर लॉग सॉल्ट बाय बेस, याद रखेगा इसको, 0.2553 बराबर log salt concentration by base concentration, क्या हो गया, एंटी log 0.2553 इक्वल टू salt concentration by base concentration, ठीक है, इसका वैल्यू भी देखा था हम लोगों ने, या था 1.801 बराबर सॉल्ट बाय बेस, सॉल्ट का निकालना है, अब बेस का दिया है 1, कितना हुआ, सॉल्ट बराबर 1.801 मोलैरिटी, मतलब मोल पर लीटर, ठीक है, एक लीटर सॉल्यूशन में 1.801 मोल NH4Cl मिलाएंगे तो उस बफर सॉल्यूशन का पीएच 9 होगा, अब बोलिए कौन कहा नहीं समझे, किसी को डाउट है किसी पॉइंट पर सवाल में,
तो पूछो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो। शिवम कश्यप 1.8 होगा, सही है। वन है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। टेक, कोई प्रॉब्लम किसी को? वन एट का, 2.5 का दिख रहे थे ना, 0.25 का देखिए, 1.799, हाँ 3 में 1 ही है, चलिए ठीक है, हाँ 1.8 ही होगा, कोई बात नहीं, चलिए। एनी मोर प्रॉब्लम? एंटी लॉग नहीं निकालेंगे तो कैसे आएगा, लॉग हटेगा कैसे? उसमें था कि 0.2553 इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय बेस, लॉग कैसे हटेगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। ये है, देखिए यहां पर 0.2553 इक्वल टू लॉग सॉल्ट बाय बेस, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लिए, यहां एंटी लॉग 0.2553 और वहां एंटी लॉग इनटू लॉग कैंसिल हो गया, तो सॉल्ट बाय बेस हो गया, ठीक है। चलिए 19 देखता हूं। ए सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेंस इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस एंड एम एक्स, के बी फॉर एक्स माइनस 10-1, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर। ये तो बहुत आसान था, 19 क्यों नहीं बना भाई, 19 तो बहुत आसान था। 19 में इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब साल्ट कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन इक्वल है, सॉल्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू बेस कंसंट्रेशन, ठीक है, और के बी दिया हुआ है 10-1, के बी दिया 10-1, निकालना है पीएच, क्या होगा, POH बराबर PKB प्लस log salt concentration by base concentration, ठीक है। POH बराबर माइनस log 10-1 प्लस log, ये दोनों इक्वल है, एक्स बाय एक्स कर दीजिए लॉग वन, ये जीरो हो गया, तो पीओएच बराबर -1 × -log 10 प्लस जीरो, तो पीओएच बराबर कितना हो गया, ये वन, बताइए पीएच कितना होगा, पीओएच वन हो गया तो पीएच कितना होगा, 14-1 = 13, आंसर बहुत आसान था। क्या दिक्कत? अब है 22 प्रॉब्लम। 22 पढ़ाने से पहले, बताने बनाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे इसमें कुछ थ्योरी, ठीक है, इसको अभी हम बंद करते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 22 है उसमें है कि बफर बनाया गया 0.2 g एसिटिक एसिड और 0.25 g पोटासियम एसीटेट लेकर, तो कहता है चेंज इन पीएच निकालिए, जब इसमें 0.1 ml 1 NHCl डाला गया, तो हम यहां पर थोड़ा सा आपका समय लेंगे, एक थ्योरी बताएंगे आपको। मैंने क्या बताया था कल,
बफर क्या होता है? बफर वो सब्सटेंस है जो किसी घोल में, किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसके पीएच को मेंटेन करता है। किसी सॉल्यूशन में अगर बफर डाल दिया जाए तो उसका पीएच कांस्टेंट मेंटेन रहता है, चाहे उसको थोड़ा सा एसिड मिला दें या बेस मिला दें, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात है कि जो बफर दूसरे सॉल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करता है, अगर उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस मिला दिया जाए तो वह अपना पीएच कांस्टेंट नहीं रख पाता। दो बात है यहां, एक सॉल्यूशन है जिसमें बफर डाले हुए हैं, उसमें थोड़ा एसिड बेस मिलाएंगे तो उसका पीएच कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर बफर का मिक्सचर आप बनाए हैं, चाहे एसिड बफर बनाए हैं चाहे बेस बफर बनाए हैं, उसमें अगर हम डाल दिए थोड़ा एसिड बेस तो उसका पीएच कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो वही सवाल है। अब क्या होगा सुद्रा, देखिए आप, मैं क्या बता रहा हूं। Addition of acid to acid buffer, अगर हम acid buffer में acid डाल दिए, will increase एसिड कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज बेस कंसंट्रेशन, सॉरी सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये कैसे? देखिए एग्जाम्पल है, आप एसिटिक एसिड लिए हो, मान लो 1 mg, इसमें सोडियम एसीटेट डाले हो, मान लो ये भी 1 mg, एक बफर तैयार हो गया। अब इसमें हम 0.1 mg एसिड डाल देते हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये 0.1 mg HCl क्या करेगा? ये 0.1 mg HCl CH3CONa जो साल्ट है उससे रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा CH3COOH और NaCl। तो ये 0.1 mg HCl इसके 0.1 mg से रिएक्शन कर लेगा, ये 0.1 mg बन जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, यह स्ट्रॉन्ग एसिड इस साल्ट से रिएक्शन कर लिया, एसिड बन गया। तो एसिटिक एसिड 1 mg पहले था, 0.1 mg अब बन गया, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1 + 0.1, मतलब 1.1 एसिड कंसंट्रेशन बढ़ गया। और साल्ट में क्या हुआ, 1 mg था, इसमें से 0.1 mg चला गया, ये कितना हो गया, 0.90 mg, 0.90 mg हो गया भाई। अब बात समझे, तो यही ध्यान रखना है, अगर एसिड बफर में एसिड डाला जाएगा तो एसिड में हम ऐड कर देंगे, उतना ही साल्ट हम माइनस कर देंगे और फिर पीएच निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत?
एसिड बफर में एसिड डालेंगे तो एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और सॉल्ट कंसंट्रेशन उतना ही अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब उल्टा सोचो, आगे बढ़े, उल्टा सोचिए। एसिड बफर में बेस डाल दिए, एडिशन ऑफ बेस टू एसिड बफर इंक्रीजेस सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजेज एसिड कंसंट्रेशन। ठीक है, एसिड बफर में अगर बेस डाल दिए तो एसिड कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। कैसे देखो, फिर वही एग्जांपल लेते हैं। हम एसिटिक एसिड लिए हैं 1 mg, सोडियम एसीटेट लिए हैं 1 mg और 0.1 mg NaOH डाल दिए इसमें। ये अल्कली है, साल्ट से रिएक्शन नहीं करेगा, यह एसिड से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा। एसिड घट जाएगा, सॉल्ट बढ़ जाएगा। कितना घट जाएगा? एसिड कंसंट्रेशन 1 mg था, 0.1 mg चला गया, तो 1 - 0.1 = 0.9 mg और सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्ट क्या हुआ? 1 mg पहले से था, 0.1 mg बन गया, 1.01 mg हो गया। आप पीएच निकाल दीजिए। ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि एसिड बफर में ऐसे याद रहेगा, एसिड बफर में एसिड डालेंगे तो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अब बेस डालेंगे तो घटेगा। ठीक, इसका उल्टा समझ सकते हैं खुद से आप, आई होप कि इसका उल्टा आप खुद समझ जाएंगे, या बताना पड़ेगा हमको इसका उल्टा खुद समझ जाएंगे। उल्टा बोलिए, बेस ऑफर में क्या होगा? एडिशन ऑफ एसिड टू बेस बफर इंक्रीजेज सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजेज बेस कंसंट्रेशन। ऐसे मान लीजिए NH4Cl और NH4OH, वही लेते हैं कि 1 mg 1 mg दोनों है, हम HCl डालते हैं। HCl एसिड है, यह NH4Cl से कंबाइन नहीं करेगा, यह NH4OH मान लीजिए 0.1 mg लेते हैं, एसिड अल्कली से रिएक्शन करेगा ठीक है, तो 1 mg था, 0.1 mg, ये 0.1 mg से रिएक्शन करेगा, 0.1 mg बनेगा, तो बेस से साल्ट बन गया। तो बेस कंसंट्रेशन क्या हुआ सोचिए, बेस कंसंट्रेशन घट गया,
वन माइनस 0.1 बराबर 0.9 और सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया कितना 1 + 0.1 बराबर 1.01। ठीक उल्टा होगा, दोनों याद नहीं करिए, एक आप याद करिए दूसरा उल्टा सोच लीजिए। एसिड बफर में एसिड डाले थे तो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ा था, साल्ट घटा था। तो बेस बफर में एसिड डालेंगे तो बेस कंसंट्रेशन घटेगा और साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए। अगर हम बेस कंसंट्रेशन में एसिड डालें तो क्या होगा, सोचिए आप लोग, बताइए कोई आदमी, जल्दी से बताओ कोई। अगर हम बेस बफर में बेस डालेंगे तो क्या होगा, ओके थैंक यू लक्ष्य, इट विल 1.1 ओनली। बेस बफर में बेस डालेंगे तो क्या होगा, सॉरी इट इज ओनली 1.1। ठीक है, कोई बताओ क्या होगा अगर हम बेस बफर में बेस डालेंगे तो, बेस कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और सॉल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। वाह गुड, थैंक यू मुकुंद, गौरव, श्रेया, उल्टा है। तो फोर्थ पॉइंट वा एडिशन ऑफ बेस टू बेस बफर विल इंक्रीज बेस कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल NH4Cl NH4OH का एग्जाम्पल है, हम इसमें NaOH डालते हैं, मान लो ये 1 mm है, ये 1 mm है, ये 0.1 mm है, तो बेस बेस तो रिएक्शन करेगा नहीं, बेस सॉल्ट से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा बेस। देख रहे हैं क्या हुआ, अगर ये 0.1 mm है ये भी 0.1 mm से रिएक्शन करेगा, 0.1 mm बनाएगा। NH4OH 1 mm पहले था, 0.1 mm नया बन गया, NH4OH कितना हुआ, NH4OH हो गया 1 + 0.1 बराबर 1.1। और NH4Cl क्या हुआ, 1 mm था उसे 0.1 mm घट गया, NH4Cl हो गया 1 - 0.1 बराबर 0.9। ठीक है, इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आपको अब बन जाएगा। इसको बनाइए, और किसको पूछना है कोई प्रॉब्लम तो बताओ जल्दी। अब बन जाएगा ना, अब सारा प्रॉब्लम बना लीजिए, फिर हमसे पूछिएगा। ठीक है, अगले क्लास में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और हम आगे पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल को बनाकर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ के आइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?